हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगिताज किचन। कैसे हैं आप सभी? यकीनन सब अपने घर में स्वस्थ ही होंगे। आज मैं आप सभी के साथ स्वीट से एंड डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, पांच शॉट्स आइसक्रीम की, जो खाने में बहुत ही अच्छी है और खाने के बाद ये परफेक्ट डेजर्ट है। अगर खाने के बाद हमें आइसक्रीम मिल जाए, वो भी पान वाली आइसक्रीम, तो किसे ही अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए हम जानते हैं पान की आइसक्रीम की रेसिपी। पाँच शॉट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक कप दूध लिया हुआ है। नॉर्मली जो हमारे घर में दूध रहता है, वही दूध है। अब हम इसमें एक चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं और अच्छे से विस्क कर लेते हैं। फ्लेम पे अभी हमने दूध को नहीं रखा है, अच्छे से विस्क करने के बाद रखेंगे हम। तो हमने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ्लेम पर रख दिया है। अब हम इसे मीडियम आँच पर स्टर करते हुए, लगातार चलाते हुए दूध को बॉयल कर लेते हैं, जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए हमारा। तो ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। जब तक दूध ठंडा हो रहा है, हम हमारी दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। तो पान की आइसक्रीम बनाने के लिए हमने 8-10 पान के पत्ते लिए हुए हैं। ये मेरे घर में ही पान का पेड़ लगा हुआ, उसी के पत्ते लिए हुए हैं। ग्रीन फूड कलर लिया हुआ है, कुछ चेरीज ली हुई है, टूटी फ्रूटी ली हुई है। ये मैंने गुलकंद लिया हुआ है 2-3 चम्मच, और सौंफ ली हुई है थोड़ी सी। अब हम पान के पत्ते को तोड़ लेते हैं, इस तरह से डंठल निकाल दिया है इसका। अगर आप मार्केट से पान के पत्ते यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 5 ही काफ़ी है, ये थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैंने 8 पत्ते यूज़ किए हुए हैं। इन सभी पत्तों को तोड़ लेते हैं हम। अब हम इसमें सौंफ ऐड कर देते हैं 1 चम्मच के लगभग। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और ये जो गुलकंद लिया हुआ है हमने, 3 चम्मच गुलकंद लिया हुआ है, इसे भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी ली हुई है। अब हम सभी चीज़ों को एक ब्लेंडिंग जार में पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे सभी चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में पीस लिया है। अब हमें आइसक्रीम को क्रीमी बनाना है, तो उसके लिए हमने एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स लिया हुआ है, उसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 केले ले लिए हैं, उनको छील लिया और इस तरह से पीसेस में कर लिया है। इसे ऐड कर देते हैं हम, और वापस से ढक्कन लगा के ब्लेंड कर लेंगे हम। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है, और खाने में भी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा बनाना का। अब हम इसमें जो हमने दूध बॉईल करके रखा था, उसे भी ऐड कर देते हैं। दूध ठंडा हो चुका है और थिक भी हो चुका है, तो इसे भी ऐड कर देते हैं ब्लेंडिंग जार में। फिर एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे सभी चीज़ों को हम अच्छे से। हम ढक्कन लगा करके ब्लेंड कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 कटोरी मलाई ऐड कर सकते हैं, पर मैं व्हिप्ड क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मलाई ऐड नहीं कर रही हूँ। आप मलाई ऐड कर देंगे तो व्हिप्ड क्रीम का यूज़ ना करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के लगभग व्हिप्ड क्रीम ली हुई है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। बैटर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड कर देते हैं। टोटली ऑप्शनल है, मगर हम इसे ऐड करेंगे तो इससे हमारे जो आइसक्रीम का कलर है, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा, जैसा मार्केट में मिलता है ना, एकदम ठीक वैसे ही है। तो ये देखिए, हमारा जो आइसक्रीम बैटर का कलर है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढक्कन लगा करके रख देंगे। 2 से 3 घंटे बाद मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो ये चेरी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा के ओवरनाइट के लिए 7-8 घंटे के लिए रख देंगे। तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। हम चेक कर लेते हैं। तो वाओ, ये देखिए हमारी कितनी यम्मी आइसक्रीम बनकर के तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए हमारी कितनी क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर के तैयार हुई है। आप जब इसे खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पान खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। एकदम पान के जैसा फ्लेवर आएगा इसका, और बहुत ही यम्मी लगेगी, सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये आइसक्रीम। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनकर के तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी पान आइसक्रीम कैसे बनी हुई है। तो ये देखिए, हमने अपनी आइसक्रीम को सर्व कर लिया है। अब मैं इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देती हूँ। मैंने इसमें बीच में भी टूटी फ्रूटी ऐड कर दी थी, जो
जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी जब हम पान के आइसक्रीम को खाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यम्मी डिलीशियस पान शॉर्ट आइसक्रीम बनकर के तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी पान की आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।